प्रिया तो तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, बिजनेस मीटिंग? यहाँ बैठ के तुम्हारी बिजनेस मीटिंग चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया, तुमने बताया नहीं, तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम्हारा हस्बैंड भी है। आज के बाद मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करना। एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा लड़की के साथ घूमते हुए, उसका घर बर्बाद करते हुए? निकल जाओ यहाँ से। बट मैं यहाँ पे, तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे ना GPS लगा दिया था और मैं तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ तक आया हूँ। सॉरी। यार प्रिया, मेरे को ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ना तुम्हें दोबारा हक करना है। क्यों? अभी तो तुमने हक किया ना, और अगर इतना ही हक करने का मन है तो हम रूम पे जाके कर लेंगे, ऐसे पब्लिक प्लेस में करना कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे ना पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद ना मिलेंगे ही नहीं। तुम भी ना, कई बार कितनी फिल्मी हो जाते हो। अच्छा ठीक है, कर लो हक। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब पता चलेगा मुझे कि ये धोखेबाज मुझे किसके साथ मिलकर धोखा दे रही है। GPS जो लगा दिया है मैंने तुम्हारे पीछे। तुम ये हरकत कर रहे हो, तुम मेरे पीछे ट्रैकर लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो ये सब? अच्छा, तुम लोगों के साथ रंगरलियां मनाओगी और मुझे पता भी न चले कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। आंख बंद करके विश्वास करता था मैं तुम पे, और तुमने क्या करा? तुमने सोचा है कभी कि लोग क्या सोचेंगे? और लोगों का तो छोड़ो, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? ये सब छोड़ो, और तुम धोखा दे रही हो मुझे। लव मैरिज करके लाया था मैं तुम्हें, दो बच्चे हैं हमारे, 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। हाँ हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इन सभी चीजों से। बस घर में बैठे रहो ना, तुम मेरे को टाइम देते थे और ना ही मतलब कहीं घुमाने लेके जाते थे, तो मैं क्या करती? मैं मतलब इन 5 सालों में कैसे रहे मैं ही जानती हूँ। बच्चों, दो दो बच्चों को संभालना, तुम्हारे माँ बाप को देखना, मैं क्या करती? मैं परेशान हो गई थी एकदम से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, और तुमने बदले में क्या दिया मुझे? सिर्फ धोखा। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, चली जाओ यहाँ से, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो, मुझे मेरी गलती का बहुत ज्यादा अफसोस है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सचिन, सचिन मेरी बात तो सुनो,